पाकिस्तानी फिल्मों और टेलीविजन की पुरकशिश और बासलाहियत फनकाराओं में एक नाम अदाकारा और मॉडल रेशम का भी है, जो एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त टेलीविजन की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली फनकारा भी हैं। रेशम का शुमार सफ़े अव्वल की फिल्मी हीरोइन में किया जाता है। इनकी इब्तदाई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करके इन्हें पाकिस्तान के नामवर हीरोइनों में शामिल कर दिया था। वो रीमा, साहिबा, मीरा, साइमा, मदिया शाह वगैरह की मौजूदगी में भी अपनी एक अलग शनाख्त बनाने में कामयाब रहीं। ये उनकी फनकाराना सलाहियतों का भरपूर सबूत है। अपने कैरियर की इब्तदा ही में रेशम का शुमार खुशकिस्मत फनकाराओं में किया जाने लगा था। उनका नाम जिस फिल्म में भी शामिल होता, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ये फिल्म कामयाबी हासिल करेगी। रेशम के कैरियर पर फिल्म इंडस्ट्री के बहरान का कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ा कि वो टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गईं। वो टेलीविजन पर भी बहुत मशरूफ अदाकारा कहलाती हैं और सुना है कि इस वक्त वो टेलीविजन की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली फनकारा है। इस हवाले से रेशम का कहना है कि सिल्वर स्क्रीन हो या मिनी स्क्रीन, असल चीज काम होता है। स्क्रीन छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि किसी भी फनकार का काम छोटा या बड़ा होता है। मैंने बड़ी और छोटी स्क्रीन दोनों पर ही काम किया है। काम का तरीका मुख्तलिफ जरूर होता है, मगर दोनों ही जगह फनकार अपनी तमाम तर फनकाराना सलाहियतों को इस्तेमाल करता है। वो कहती हैं कि जब तक आप बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 100% कारकर्दगी दिखाऊं, बाकी काम सब नसीब पर छोड़ देती हूं। आज के दौर में कोई भी फनकार मुकम्मल नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ सीख रहा होता है।